नमस्कार, पंजाब सक्सेस मंत्रा के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 10 महत्वपूर्ण सवाल, 10 इंपॉर्टेंट MCQs फ्रॉम हिस्ट्री, इतिहास से संबंधित कमाल के सवाल। ठीक है, ऐसे सवाल जो शायद आपने पहले ना देखे हो, लेकिन ये सवाल और इनकी एक्सप्लेनेशन आपको मदद करेगी बहुत ज्यादा आपके एग्जाम की तैयारी करने में। इतिहास में आपकी पकड़ मजबूत होगी। आप ये रेगुलर सेशन फॉलो करो, मैं गारंटी देता हूं कि आपसे कुछ नहीं छूटने दूंगा। एक साल में इतने सवालों के जरिए और इतनी एक्सप्लेनेशंस के जरिए मैं आपकी तैयारी को किस स्तर पे पहुंचा दूंगा कि आप जो है वो कोई भी एग्जाम क्रैक कर पाओगे। पंजाब के किसी भी स्तर का एग्जाम देना चाहो, चाहे यूपीएससी के एग्जाम में भी अपियर करना चाहो, सभी एग्जाम्स में आपको सफलता मिलेगी। इतिहास में तो कम से कम आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, ये पंजाब सक्सेस मंत्रा का शेड्यूल देख लीजिए। इस शेड्यूल में, इस क्रम में आपके सामने क्लासेस अरेंज की जाती हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं पहले सवाल पर। पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आर करेक्टली मैच विद द मूवमेंट्स एंड सोसाइटीज। ठीक है, तो देखो तरीका बता देता हूं। आप सवाल पढ़ेंगे, सवाल पढ़ने के बाद मैं ऑप्शंस बता दूंगा आपको सारे, और उसके बाद फिर आप जो है इस वीडियो को पॉज कर लेना। पॉज करके फिर जो है आप अपने आप आंसर दे लेना, उसके बाद फिर जो है फिर इस वीडियो को प्ले कर लेना। ठीक है, तो मैं लेकिन चलता रहूंगा, मैं आपको ऑप्शंस के बाद आंसर दिखा दूंगा, क्योंकि ये लाइव सेशन नहीं है ऑब्वियसली हमारा, तो इसमें मैं आपको लगातार ऑप्शंस के बाद जो है आपका आंसर या सॉल्यूशन बताता रहूंगा। ठीक है, पहला जो है यहाँ पे जो दिया हुआ है वो पेयरिंग, उसमें दिया है देवबंद मूवमेंट, उसके सामने लिखा है मोहम्मद कासिम वानतावी और राशिद अहमद गंगोही। दूसरा थियोसॉफिकल मूवमेंट लिखा है, थियोसॉफिकल मूवमेंट के सामने लिखा है मैडम ब्लावेट्सकी और कर्नल ऑलकॉट। ठीक है, और तीसरा विडो रीमैरिज एसोसिएशन लिखा है, उसके आगे महादेव गोविंद रानाडे नाम लिखा हुआ है। आपको बताना है टू ओनली इज करेक्ट, वन टू एंड थ्री इज करेक्ट, वन एंड टू इसमें सही है या दो और तीन सही है। ठीक है, चलो पॉज कर लो अगर करना है तो। मैं चलता हूं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन है बी, मतलब तीनों सही है साहब। देवबंद मूवमेंट, अब देखो कैसे, देवबंद मूवमेंट एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है जिसकी शुरुआत 1866 में की गई थी। मोहम्मद कासिम वानतावी और राशिद अहमद गंगोही ने देवबंद स्कूल की स्थापना की थी उत्तर प्रदेश सहारनपुर में। देवबंद मूवमेंट जो है ये मुस्लिम कम्युनिटी की अपलिफ्टमेंट के लिए था, रिलीजियस एजुकेशन के थ्रू जो है मुस्लिम कम्युनिटी की अपलिफ्टमेंट करने का इनका विचार था। ये देवबंद स्कूल का एक जो है, ये आप देख सकते हो कि देवबंद स्कूल का एक चित्र है जो आपके सामने है। आगे थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी वैसे तो जानी जाती है एनी बसंत के नाम से। एनी बसंत जो है वो जुड़ी हुई थी इस संस्था से, 1893 में वो इसके लिए काम करने आई थी। मैडम एचपील ब्लावेट्सकी और इनके साथी कर्नल एचएस ऑलकॉट, इन दोनों के द्वारा ये संस्था ओरिजिनली बनाई गई थी न्यूयॉर्क यूएसए में। फिर उसके 6 साल बाद 1881-82 में इन्होंने भारत में भी इसके हेडक्वार्टर एस्टैब्लिश किया। अदरा अद्यार नाम की जगह थी मद्रास के नजदीक, वहां पे इसका हेडक्वार्टर एस्टैब्लिश किया गया। ये भारत में एंशियंट हिंदू, बुद्धिस्ट और जोरास्ट्रियन फिलोसफीज को प्रमोट किया करते थे। पुराने आइडियाज, वेदास, उपनिषद, उनकी टीचिंग्स पर स्ट्रेस करना इस सोसाइटी का मकसद था। और जो है बेसिकली पुरानी जो जितनी भी जो मेडिकल साइंसेज हैं, इन धर्मों से जुड़ी हुई, इन सभी को भी जो है वो लोगों तक पहुंचाना इसका मकसद हुआ करता था। थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी बाद में मैडम एचपी ब्लावेट्सकी शुरू में इसके लिए काम करने आई थी, और बाद में जब 1893 में उनकी डेथ हुई तो उनकी जगह पर काम करने आई आयरिश लेडी एनी बसंत, जिनको हम जानते हैं कांग्रेस का पहला, जो कांग्रेस की पहली महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट चुनी गई थी वो एनी बसंत थी 1917 में, और उनके द्वारा होम रूल लीग की भी शुरुआत की गई थी 1916 में। ठीक है, तो होम रूल का आइडिया भी एनी बसंत का था। दो अखबार भी चलाती थी एनी बसंत, जिनके नाम थे एक न्यू इंडिया और एक दूसरा कॉमन वील। चलो आगे, एम जी रानाडे ने विडोरी मैरिज एसोसिएशन 1861 शुरू किया था। डेकन एजुकेशन सोसाइटी भी इन्हीं के द्वारा शुरू की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा भी इन्हीं के द्वारा
जो है शुरुआत उसकी की गई थी। ये माना जाता है कि ये मानते थे कि रिलीजियस आइडियाज जो है उनको अगर रिलीजियस आइडियाज जो है उनको हम सोशल रिफॉर्म से कभी अलग नहीं कर सकते, दोनों एक साथ चलने वाली चीजें हैं। रिलीजियस रिफॉर्म के साथ जो है वो सोशल रिफॉर्म भी होता है। और उन्होंने कहा कि अगर रिलीजियस आइडियाज हमारे रिजिड रहेंगे, उसमें हम बदलाव नहीं करेंगे, तो पॉलिटिकल और सोशल इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स भी नहीं आ सकते, कोई बदलाव नहीं हासिल किया जा सकता अगर हम स्टिक होके रहेंगे पुरानी परंपराओं पर। प्रार्थना समाज भी जो ब्रह्मो समाज के आइडियाज से प्रेरित था, उसमें भी महादेव गोविंद रानाडे का बहुत बड़ा रोल था, उसको भी जो है इनकी वजह से ही संगठित किया गया था। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, हु इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हेयर इन द बिलो गिवन पैसेज, इस पैसेज में यहां पर किसकी बात हो रही है। ये लिखा है ही एडिटेड अ बॉम्बे एंग्लो मराठी पेपर इंदु प्रकाश, और इन्होंने जो है ही फाउंडेड आइडियोलॉजी ऑफ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म एंड ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ राव बहादुर। कौन है ये जिनके बारे में इस पैसेज में बात हो रही है? तो एस एन बनर्जी है, गोपाल कृष्ण गोखले है, एम जी रानाडे है, या गाडी चेरला हरिसर वोत्तमा राव है, ठीक है, या जी एच राव है, ठीक है। तो आपको बताना है सही उत्तर, पॉज कर लो, मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। सोल्यूशन है सी, सी मतलब एम जी रानाडे इसमें सही उत्तर है। एम जी रानाडे, देखो कैसे, एम जी रानाडे का जन्म 18 जनवरी 1842 को हुआ था, मृत्यु 16 जनवरी 1901 को हुई। और इनको यहाँ पर लास्ट लाइंस की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ, इन्होंने एक बॉम्बे एंग्लो मराठी डेली न्यूज़पेपर इंदु प्रकाश इसको भी एडिट किया था, और उनकी आइडियोलॉजी सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स की थी, और उसके अलावा राव बहादुर का टाइटल भी इन्हें ही दिया गया था, महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। तीसरा सवाल है आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन विच दे वर फॉर्म्ड। अब ये इनका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन, ये लिख लेते हैं आप, दीज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो पहला है पूना सार्वजनिक सभा, दूसरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, और तीसरा है इंडियन लीग। आपको बताना है कि सही क्रम क्या है, ठीक है। मैं इस पर आता हूं उत्तर पे, आप इसको पॉज कर लीजिए, और ये रहा उत्तर डी, डी इज करेक्ट आंसर। कैसे है डी? इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। ऑब्जेक्टिव था भारतीयों में राष्ट्रवाद की या नेशनलिज्म की भावना को जगाना, और पॉलिटिकल एजुकेशन मतलब यार समझ डेवलप होना, कि भाई लोगों को पता ही नहीं है, पॉलिटिकल समझ ही नहीं है उनको, ये नहीं पता कि भाई अंग्रेजों से क्या मांग करनी है, क्या हमारे हक हैं, उनको पता नहीं, पॉलिटिकल एजुकेशन तो देनी पड़ेगी। तो उसके लिए शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की थी। उसके अलावा पूना सार्वजनिक सभा 1867 में एम जी रानाडे द्वारा शुरू की गई। इसका मकसद था कि लोगों के बीच में और सरकार के बीच में एक ब्रिज बनाया जा सके, सरकार और लोग जो है वो आपस में ज्यादा, उनके बीच में कोई भी परस्पर तालमेल नहीं है, उनकी कोई बात सुननी नहीं जाती सरकार के द्वारा, इसी वजह से ये बनाई गई थी संस्था। फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसको बनाया था बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तैलांग ने 1885 में, ठीक है। तो इसी हिसाब से सबसे पहले हुई पूना सार्वजनिक सभा, फिर इंडियन लीग, और फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इसीलिए आपका आंसर आ गया डी, ठीक है। सबसे पहले पूना, फिर इंडियन लीग, और फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसके बाद आगे चलते हैं चौथे सवाल पर। चौथा सवाल ये रहा, आइडेंटिफाई हु इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द पैसेज, फिर से आइडेंटिफाई करने वाला। अब यहां पे किसकी बात हो रही है? ये 10वें मुगल बादशाह थे, ही वाज 10th मुगल एम्परर आफ्टर ही असैसिनेटेड हिज अंकल एंड एम्परर जहानदार शाह। ये मुगल बादशाह तब बने जब इन्होंने अपने चाचा और मुगल बादशाह जहानदार शाह की हत्या कर डाली, उसके बाद मुगल बादशाह बने। ये अजीमुशान नाम के एक व्यक्ति के बेटे थे। अजीमुशान एम्परर बहादुर शाह वन के जो है वो बेटे थे, सिर्फ दूसरे बेटे थे, और उनकी वाइफ थी साहिबा निजवान, इनके बेटे थे ये जिनके बारे में बात हो रही है। और बहादुर शाह वन किसके बेटे थे? वो औरंगजेब के बेटे थे। तो औरंगजेब के बेटे बहादुर शाह, बहादुर शाह के बेटे अजीमुशान, और अजीमुशान का बेटा ये जिसकी बात हो रही है यहाँ पे, ये कौन है जो मुगल एम्पायर का 10वां बादशाह था?
तो आंसर जो है वो आपको देना है, मैं आंसर बता देता हूँ, बी मतलब फर्रुख सियार इसमें सही उत्तर है। फर्रुख सियार देखो 10वें बादशाह, मुगल 10वें बादशाह, 20 अगस्त 1683 को जन्मा, 9 अप्रैल 1719 को इनकी मृत्यु हुई। 1713 से 1719 तक ये मुगल बादशाह रहे, और उसके अलावा जहानदार शाह जो उनके चाचा थे उनकी हत्या भी इन्होंने ही की थी। और एक हैंडसम मैन इनको समझा जाता है कि बहुत ही हैंडसम व्यक्ति थे ये, और लेकिन बड़ी जल्दी अपने कोर्टियर्स की बातों में आ जाते थे। मतलब कोई भी यार कोई भी आके उनको कुछ भी बता दे और वो जल्दी से बातों के कान का कच्चा कहना जिसे ना, मतलब कोर्टियर्स की बातों में आ जाने वाले। और ये साहिबा निजवान और अजीम शान के बेटे थे जो हमने अभी जो आपको हिंट दिया था। ठीक है, ये देखो ये फर्रुख सियार 10वें मुगल बादशाह। चलो आगे आ जाते हैं पांचवें सवाल पे। पांचवें सवाल में है कुछ थ्योरीज हैं और कुछ पर्सनालिटीज हैं सामने दी गई, आपको सही मेल करके बताना है। पहला दिया हुआ है सेफ्टी वॉल थ्योरी, सामने लिखा है बीजी तिलक। दूसरा दिया टू नेशन थ्योरी, सामने लिखा है लियाकत अली। तीसरा दिया लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, सामने लिखा है जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। अब आपको बताना है कौन सा जो है वो सही उत्तर है। ए मतलब थ्री इज करेक्टली मैच्ड, मतलब तीसरा जो है इसमें वो सही तरीके से मैच किया गया। टू एंड थ्री आर करेक्टली मैच, ऑल आर करेक्टली मैच या नन इज करेक्टली मैच, ये चार ऑप्शन है। अब मैं सोल्यूशन की तरफ बढ़ता हूं, आप पॉज कर सकते हो अगर आप आंसर करना चाहते हो। ये रहा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है ए। ए मतलब थ्री इज करेक्टली मैच्ड ओनली, मतलब पहला और दूसरा ऑप्शन गलत है। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी लाला लाजपत राय द्वारा गीत दी गई थी। टू नेशन थ्योरी मोहम्मद अली जिन्ना की जो है दिमाग की उपज थी, और लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी जो है वो दी थी गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्या थी बता देता हूं। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी कुछ ऐसे था कि भाई लाला लाजपत राय जो एक एक्सट्रीमिस्ट नेता थे, उनका मानना था कि कांग्रेस को जब बनाया गया तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक ब्रिटिश रिटायर्ड ऑफिसर और उस समय के जो ब्रिटिश वॉइस रॉय लॉर्ड डफरिन उनकी मिलीभगत थी। वो चाहते थे कि कांग्रेस जो उन्होंने एक संस्था बनवाई, क्योंकि उन्हें पता था कोई ना कोई एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो आगे चल के इलेक्शन लड़ेगी उसको बनाना ही है और वो कभी ना कभी बन के रहेगी। इससे पहले भारतीय पक्ष अपनी कोई ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन बनाए, अंग्रेजों ने पहल करके ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बना डाला जिसको कहा गया ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है बाद में ये थ्योरी उभरी कि भाई इसको बनाने में इसलिए बनाया गया था क्योंकि ताकि अंग्रेज पहले से ही जो इंडियन लीडर्स हैं उनके प्लान ऑफ एक्शन को पहले से ही जान सके। उसके बाद फिर तीसरी कांग्रेस के ही बनने से जुड़ी हुई लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी है, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले साहब ये साहब कहते हैं कि हमें पता था कि कांग्रेस जो है उसको जानबूझ के अंग्रेजों द्वारा बनाया जा रहा है, लेकिन हमने फिर भी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के चेहरे को सामने रहने दिया या अब उनको ऊपर रहने दिया ताकि अंग्रेज कभी भी अगर ब्रिटिश सरकार इस संस्था को दबाने की या रिप्रेस करने की कोशिश करे तो ऊपर जो चेहरा दिखे वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का हो। इसका मतलब उनको एक लाइटनिंग कंडक्टर की तरह इस्तेमाल किया जाएगा कि अगर बिजली गिरे तो उस पर गिरे और वो सारा करंट जो है वो जमीन तक पहुंचा दे। तो ये था। और तीसरा टू नेशन थ्योरी, टू नेशन थ्योरी जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा दी गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने 1940 में कहा कि भैया एक नहीं दो देश चाहिए, इनकी वजह से बंटवारा हुआ, इनकी वजह से पाकिस्तान बना। ठीक है चलिए, इसके बाद छठा सवाल। छठा सवाल है अब देखो इसमें थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, मैच नहीं करना है इसको, अपने मैच नहीं करना। ठीक है, ये बताना है विच ऑफ दीज फॉलोइंग वर्क्स एंड पर्सनैलिटीज ऑफ मेडिवल इंडिया आर करेक्टली मैच्ड। मुंतखाबुल लुबाब के सामने अब्दुल हामिद लाहौरी लिखा है। विच ऑफ दीज फॉलोइंग वर्क्स एंड पर्सनैलिटीज फ्रॉम मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर करेक्टली मैच्ड। मुंतखाब उल लुबाब के आगे अब्दुल हामिद लाहौरी लिखा है, मुंतखाब अल तवारीख के आगे अब्दुल कादिर बदायूनी लिखा है, और तुगलक नामा के सामने लिखा है अमीर खुसरो। आपको बताना है कौन सा कोड सही है। वन इज करेक्टली मैच्ड, टू एंड थ्री आर करेक्टली मैच्ड, ऑल आर करेक्टली मैच्ड,
नन इज करेक्टली मैच्ड। ठीक है, चलो मैं उत्तर पे जा रहा हूं, आप पॉज कर सकते हो। ठीक है, ये लो, ये रहा आंसर। टू एंड थ्री आर करेक्टली मैच, मतलब पहला जो है वो सही तरीके से मैच नहीं है। मुंतखब उल लुबाब, अब देखो पहले तो अमीर खुसरो की बात कर लेते हैं। अमीर खुसरो जो है ये कई चीजों के लिए मशहूर है, इन्होंने इनको तूतीय हिंद कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के लिए काम कर चुके, गियासुद्दीन तुगलक के लिए भी किया काम किया इन्होंने, तो दो वंशों के लिए काम किया। एक तो इन्होंने पैरट ऑफ इंडिया या तूतीय हिंद इन्हें कहा जाता था, और खास बात बताऊं इनकी तो इन्होंने भारत में कव्वाली और गजल की शुरुआत की थी। फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर कहा जाता है इन्हें। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये भारतीय इतिहास में एक प्रोमिनेंट फिगर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने ही तुगलकनामा लिखा था, जो हमारे यहाँ थर्ड ऑप्शन में है। ठीक है, उसके अलावा मुंतखा बुलतवारीक एक जनरल हिस्ट्री है इस्लाम से जुड़ी हुई, जिसे अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा था, और ये अकबर बादशाह के लिए काम करने वाले एक वेतन भोगी, वेतन पाने वाले एक हिस्टोरियन थे। अबुल फजल भी हिस्टोरियन थे, लेकिन ये भी एक हिस्टोरियन थे इनके कोर्ट में। तो ये थे अब्दुल कादिर बदायूनी, इन्होंने लिखी थी मुंतखबुल तवारीख। इन्होंने महमूद गजनबी जब पहली बार भारत आए थे, वहां से लेके अकबर बादशाह के पहले 40 साल के रूल तक का सारा इतिहास जो है वो लिखा है। उसके बाद इनकी खुद की मृत्यु हो गई, तो भाई आगे कैसे लिखते, तो वहां तक का इतिहास लिखा है। फिर आता है मुंतखबुल तवारीख। मुंतखबुल तवारीख इसमें खफी खान जो है इसके इसको लिखने वाले थे अब्दुल हामिद लाहौरी ने। मोहम्मद हाशिम को ही खफी खान कहा जाता था, ये एक इतिहासकार थे मुगल इंडिया में। इन्होंने लिखी थी मुंतखाल अल लबाब या उल लबाब, पर्शियन भाषा में लिखी गई ये किताब है, जिसमें वो अब ये मोहम्मद हाशिम जो है ये कई कई मुगल बादशाहों के लिए काम किया इन्होंने, जैसे के मोहम्मद शाह, फर्रुखसियार, बहादुर शाह और मोहम्मद शाह के समय में इन्होंने ये इतिहास लिखा था। ठीक है, ये किताब लिखी थी जिसे हम जानते हैं मुंतखब उल लुबाब के नाम से। ठीक है जी, अब अगला सवाल, हु इज रेफर टू एज हिज इन कंटेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यहाँ पे हिज कौन है? ठीक है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में ये जो हिज है यहाँ पे ये कौन है? His analysis of noun compound still forms the basis of modern linguistic theories of compounding in Indian languages. कहने का मतलब इन्होंने जो नाम दिए ना वो आज भी एक आधार है कि लिंग्विस्टिक थ्योरीज में, मतलब जो भाषा में जो नाम आए हैं उसमें बहुत सारे जो हैं, मतलब जो नामों का प्रचलन शुरू हुआ किससे, इसी व्यक्ति से जिनकी यहाँ पे बात हो रही है। इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव और साइंटिफिक थ्योरी ग्रामर पे दी, और ये कहा जाता है कि कन्वेंशनल संस्कृत की शुरुआत भी, क्लासिकल संस्कृत की शुरुआत भी इन्हीं से हुई। ठीक है, तो कौन है ये? बिलहान, कलहान, अमर सिम्हा या फिर पाणिनि? तो आंसर, राइट आंसर है इसमें पाणिनि, डी इज योर करेक्ट आंसर। देखो पाणिनि कौन है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी एक एक वर्क है वो इनके नाम है, संस्कृत ग्रामर पे है, और ये फाउंडेशनल टेक्स्ट है व्याकरण जो ब्रांच है वेदांगा की, उस पर रचा गया एक एक टेक्स्ट है, और इन्होंने बहुत सारे जो है मतलब वैदिक लिटरेचर में भी इनका योगदान अच्छा खासा रहा है। पाणिनि ने बेसिकली जो है वो संस्कृत में जो सबसे बड़ा योगदान है वो इनकी तरफ से रहा, इसी लैंग्वेज को फिर भारत में बहुत बड़े स्तर पे यूज किया गया, कम से कम 2 सहस्र शताब्दी, मतलब 2000 सालों तक फिर संस्कृत भाषा भारत में इस्तेमाल में ली गई। उसकी सारी ग्रामर जो है वो बनाने वाले कौन थे? पाणिनि द ग्रामेरियन। ये उनका एक रिप्रेजेंटेशनल स्टैच्यू है जो अभी नेपाल में सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये रहा किसका स्टैच्यू? पाणिनि का, पाणिनि द ग्रेट ग्रामेरियन। उसके अलावा आठवें सवाल पर आते हैं। आठवें, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ दीज इवेंट्स फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो मॉडर्न हिस्ट्री के संदर्भ में ये जो इवेंट्स दिए हुए हैं इनका सही क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पहचानिए, किस क्रम में कौन सी घटना हुई, साल भी बताइए कमेंट सेक्शन में अगर आप बता सकते हो तो। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पहला है, दूसरा क्विट इंडिया मूवमेंट, तीसरा अगस्त ऑफर, और चौथे पे दिया है मॉन्टेग्स अगस्त डिक्लेरेशन। आपको सही सीक्वेंस बताना है। 4213 सही है, 4132 सही है, 2143 सही है, या 3214 सही है। हम सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन कहता है 4132। कैसे?
मॉन्टेग्स अगस्त डिक्लेरेशन इसमें सबसे पहले आता है 1917 में, उसके बाद इसमें आता है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, मतलब सीक्वेंस हो गया 4, उसके बाद 1, उसके बाद आता है अगस्त ऑफर 1940, फिर आ जाता है 3, और लास्ट में आ जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब 2, 4132। तो 4132 इस ऑप्शन में है, ये रहा, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। विच ऑफ दी स्कॉलर रोट द महापुराण एंड द हरिवंश पुराण? ठीक है, तो विच ऑफ दी स्कॉलर रोट महापुराण एंड हरिवंश पुराण? हेमचंद्र, दीन सेन, नागसेन, भानुभट्ट, ये चार ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है सही उत्तर। पॉज कर सकते हो, मैं आता हूं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन है ये, जीन सेन, इसमें सही उत्तर है। 8वीं और 9वीं शताब्दी में, 8th और 9th सेंचुरी के बीच में जीन सेन दिगंबरा सेक्ट से ताल्लुक रखने वाले एक जैन मॉन्क थे। इन्होंने हरिवंश पुराण और महापुराण की रचना की और आचार्य वीर सेन के ये शिष्य थे। ठीक है, तो जैन परंपरा से दिगंबरा सेक्ट से ताल्लुक रखने वाले मुनि जो है आचार्य जीन सेन। ठीक है, 10वां और आखिरी सवाल। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ दीज इवेंट्स फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। फिर से कुछ इवेंट दिए हैं, इन इवेंट्स को सही क्रम में लगाना है आपको, पहले कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ, और उसके बाद कौन सा हुआ, और आखिर में कौन सा हुआ। यहां पे ऑप्शन है एल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी, एनलमेंट ऑफ वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, एनेक्टमेंट ऑफ आर्म्स एक्ट, एनेक्टमेंट ऑफ न्यूज़पेपर्स, एनेक्टमेंट ऑफ ऑफेंसेस एक्ट। आपको सही ऑप्शन गेस करना है। ए है 4213, बी है 2314, सी है 3421, और चौथा है 3214। मैं आपको इनका सही आंसर बता देता हूं। एल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी जिस साल में है वो है 1883। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को लगाया गया था 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा, उसको हटाया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में, रिपील किया गया या एनलमेंट उसका किया गया, और उसके बाद फिर एनैक्टमेंट ऑफ आर्म्स एक्ट जो है वो किस साल में आती है, इसको इनैक्ट किया गया था 1878 में, और इनैक्टमेंट ऑफ न्यूज़पेपर्स इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट ये लाई गई थी 1908 में, जब सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस हुआ था। उसके बाद बहुत सारे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बढ़ गए थे, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स का इस्तेमाल किया जो हमारे नेताओं ने, और उसके जरिए अपने आइडियाज को लोगों तक पहुंचाया। उस समय न्यूज़पेपर्स पे रोक लगाने के लिए एक एक्ट लाई गई थी, न्यूज़पेपर्स इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट 1908। ठीक है, तो ये क्रम हो गया। अब इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका 3, उसके बाद आ जाएगा 2, उसके बाद 1, और उसके बाद 4, 3214, मतलब लास्ट वाला ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है, आंसर डी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, शुक्रिया। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको अगर अच्छा लग रहा है ये हिस्ट्री का, ये जो हम जो चला रहे हैं ये जो सीरीज, तो इसको पूरा देखो पीछे तक, आपको बहुत मदद मिलेगी, आपको पता चलेगा कि भाई आपने कितना जो है वो बहुत अपनी तैयारी को बढ़ावा दिया है इस सेशन को ज्वाइन करके। हर वीक सेशन होता है, हर वीक सेशन होता है, हर वीक ज्वाइन करो, आप फिर एग्जाम देने जाओगे मॉडर्न हिस्ट्री में मात नहीं खाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जितने अपने दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर देना। पंजाब सक्सेस मंत्रा जो है आपको जो है वो बहुत सारी शुभकामनाएं देता है कि आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे बीते। चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे, शुक्रिया।